आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मीडिया से हुए रूबरू, कहा 2017 के बाद JEE AES के केसों में 95% की आई है कमी। स्वच्छता के मामले में गोरखपुर को दिया हूँ 10 में से 10 नंबर। 2000 प्रोजेक्ट पर चल रहा है काम, जिला है विकास के पथ पर अग्रसर। प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ऑनलाइन कंपनी से ऑर्डर किए ज्वेलरी को नकली ज्वेलरी से बदलने वाले 2 अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 चेन 1 अंगूठी 2 मोबाइल 1 काला बैग 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल, SPCT ने किया खुलासा। प्रदेश के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र का किया निरीक्षण। जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर किया दीदार। दोनों गैंडों हर व गौरी को अपने हाथों से खिलाया केला। प्राणी उद्यान में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने के दिए निर्देश। गुरुवार को प्रातः गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने महायोगी गोरखनाथ जी का किया दर्शन। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि पर अर्पित किया पुष्पांजलि। मंदिर के गौशाला में गायों और बछड़ों को खिलाया घास व गुड़। तीन छात्र चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने का 33 सामग्री व 20 चांदी का आभूषण एवं 2010 रुपए नकद किया बरामद, SPCT ने किया खुलासा। मंडल के अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त सभागार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। JEE AES मरीजों की संख्या 0 करने की कार्य योजना बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक सकुशल हुआ संपन्न। जनपद में चल रहे कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए सभी विभागों को दिए निर्देश। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का किया भ्रमण। निरीक्षण, व्यवस्थाओं को देख और रोजगार परक पाठ्यक्रमों को जानकर अभिभूत हुए मुख्य सचिव, कहा आपकी नौकरी तो पहले से है तय, मन लगाकर खूब पढ़िए। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2 गुटों के छात्रों में हुए विवाद को कैंट पुलिस ने पहुंचकर कराया शांत। घायल छात्रों का पुलिस ने करवाया इलाज, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। और पुलिस लाइन में अवैध रूप से सरकारी आवास में रह रहे पुलिस कर्मियों के आवास को खाली कराने के लिए SP लाइन राहुल भाटी के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। 160 में से 24 पुलिस कर्मियों ने स्वेच्छा से खाली किया मकान। SP लाइन ने कहा आगे भी अभियान चलाकर सभी मकान को कराया जाएगा खाली।